फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जैसे अपने फ़ोन पे में जो बैंक लिंक है उसका अकाउंट नंबर पता करना चाहते हैं तो बिल्कुल आसान तरीके से पता कर सकते हैं इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखने के बाद। जैसे देखते हैं फ्रेंड, हम अपने जो था फ़ोन पे एप्लीकेशन को ओपन कर चुके हैं और आप भी अपने फ़ोन पे एप्लीकेशन को जब ओपन कर लेते हैं तो यहाँ से इस तरह से फीचर आ जाता है। बाय द वे, आप अपने फ़ोन पे एप्लीकेशन को अपडेट नहीं किए होंगे तो यहाँ से अपने प्ले स्टोर एप्लीकेशन को जब ओपन करेंगे तो यहाँ से आपको सर्च कर लेना है। जैसे देखते हैं हम सर्च करेंगे फ़ोनपे, जैसे ही सर्च हमारा ऊपर में आ जाएगा, उसके ऊपर से हमारा अपडेट हो जाएगा, यहाँ से ओपन करने का ऑप्शन आएगा। तो जैसे ही हम ओपन कर लेंगे तो यहाँ से हमारा देख सकते ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद फिर आप अपने जो था फोन पे का जो था अकाउंट नंबर, बैंक में जो नंबर लिंक है फोन पे में, जो आपका बैंक नंबर लिंक बैंक है उसका अकाउंट नंबर पता करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा। पहले आपको यहाँ विद प्रूफ के साथ फिर हम अपना जो था फोन पे में अपना नंबर जो नंबर लिंक किए हैं अपने अकाउंट नंबर SBI का, तो हमारा यहाँ से देख सकते हैं हमारा अकाउंट नंबर यहाँ से लास्ट का 4 अंक दिखा रहा है। उसके ऊपर से फिर यहाँ से देख सकते हैं अकाउंट डिटेल का ऑप्शन पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ से कुछ इस तरह से पूरा डिटेल में शो करता है और इस तरह से फिर आप में नहीं शो करता है और उसको डिटेल में देखना चाहते हैं फोन पे से अकाउंट नंबर बैंक का कौन सा लिंक है और उसको पूरा डिटेल में, तो आपको यहाँ से आपको बैक हो जाना है। जैसे देखते हैं हम होम पे आ जाएंगे, होम पे आने के बाद फिर से आप अपने मोबाइल में जो था फोन पे एप्लीकेशन को ओपन करिएगा। जैसे देखते हैं हम फोन पे एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे, जैसे ही ओपन कर लेंगे तो यहाँ से आप अपने प्रोफाइल आइकन पर जब क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपका शो करेगा जो देखते हैं प्रोफाइल और उसके ऊपर से फिर यहाँ से देखते हैं आपको शो करेगा बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट पर जब क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपको जो बैंक का डिटेल जानना चाहते हैं अकाउंट नंबर उसको, जो आपको फोन पे में दोनों लिंक है उसमें से एक को जानना चाहते हैं या दोनों को, तो यहाँ से आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से देखते हैं आपका शो करेगा सेविंग अकाउंट है, कहाँ ब्रांच है और यहाँ से IFC कोड पता चल जाएगा। लेकिन अकाउंट नंबर नहीं पता कर पाते हैं और ना ही आपको यहाँ से दिखा पाता है और देखते हैं 4 अंक दिखाता है, तो यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं और यहाँ से नहीं देख पा रहे हैं तो आपको यहाँ से होम पे आ जाना है। होम पे आने के बाद यहाँ से आपको अपने जो होता है पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना, यहाँ से आपको अपने पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिएगा। जैसे पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो यहाँ से एक देख सकते हैं ऊपर में शो करेगा ऑप्शन में प्रोफाइल का, जैसे प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आ जाएंगे। आने के बाद यहाँ से स्क्रॉल करके आपको नीचे आ जाना है, जैसे देखते जैसे स्क्रॉल करके जब नीचे आएंगे तो यहाँ से आपको UPI पेमेंट सेटिंग का ऑप्शन देगा, तो जैसे UPI पेमेंट सेटिंग ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ से कुछ इस तरह से आ जाएंगे। आने के बाद फिर आपको शो करेगा जो देखते हैं हमारा जो था जो बैंक उसमें लिंक है फोन पे में, उस वही बैंक हमारे पेटीएम में लिंक है, तो हमारा इसको अकाउंट नंबर इसको पता करने के लिए इस पर हम किसे क्लिक करेंगे तुरंत हमारा यहाँ से देखते हैं शो कर दिया। उसके पास फिर यहाँ से देखते हैं हमारा अकाउंट नंबर शो कर दिया, SBI का IC कोड शो कर दिया और यहाँ से सेविंग अकाउंट शो कर दिया। और इस तरह से फिर देखना चाहते हैं बिल्कुल आसान तरीके से देख सकते हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाय द वे, यहाँ से इस तरह से आपको अपडेट कर चुके हो पेटीएम को और यहाँ से भी नहीं दिखा रहा है, तो आपको एक तरीका और बता दें, जैसे फिर आपका SBI का अकाउंट होगा तो SBI का योनो एप्लीकेशन आपको यूज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ से बैक हो जाना है, बैक होने के बाद यहाँ से आपको देखते हैं योनो लिखेंगे, जैसे देखते हैं योनो लिख देंगे, उसके ऊपर से यहाँ योनो इस एप्लीकेशन हो जाएगा, इसको एप्लीकेशन को ओपन करिएगा और इसमें आप रजिस्टर होना पड़ेगा। जैसे आपका ATM कार्ड आपके पास होगा तो इसमें आप रजिस्टर हो जाएंगे। रजिस्टर होने के बाद यहाँ से आपको ओपन कर लेना, जैसे रजिस्टर होने के बाद आपको MPIN मांगेगा जब इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, तो देख सकते हैं जैसे हम इस एप्लीकेशन का ओपन करेंगे तो MPIN अपना सही इंटर कर लेंगे, उसके ऊपर से हमारा इस तरह से ओपन हो जाएगा और यहाँ से अकाउंट ऑप्शन पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा। और यहाँ से भी अपना अकाउंट का डिटेल जानना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं आई का आइकन है, इस आई आइकन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका अकाउंट नंबर दिखा देगा। तो इस तरह से फिर आप अपना जो था अकाउंट नंबर यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, बाय द वे यहाँ से नहीं मिल रहा है तो आप अपना जो था पेटीएम से चेक कर सकते हैं दो तरीके से। तो फ्रेंड, तरीका कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, इससे क्या होगा फ्रेंड कि हमारी नई नई वीडियो आपको हमेशा मिलती रहेगी। वीडियो शुरू से लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।